नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। द वायर इलेक्शन बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के बुलेटिन में हम आपको बताएंगे बंगाल के कूच बिहार में हुई उस घटना के बारे में जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि दिलीप घोष ने इस मामले पर क्या विवादित बयान दिया है। बुलेटिन में आगे हम आपको कोरोना के बढ़ते आंकड़े और उसमें हो रहे चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी बताएंगे और आखिर में हम आपको द वायर की रिपोर्ट से रूबरू करवाएंगे। आइए जानते हैं हाल ही में हो रहे बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी प्रमुख बातें क्या रहीं। बंगाल में चुनावी घमासान जारी है। 4 चरण के मतदान हो चुके हैं। 8 चरणों में हो रहे चुनाव की आधी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और अब 5वें चरण के मतदान से पहले का चुनाव प्रचार चल रहा है। 5वें चरण के मतदान से पहले भी सत्ताधारी दल और विपक्षी दोनों में से कोई भी खेमा चुनाव प्रचार से पहले किसी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। कोरोना जैसी महामारी में भी दल प्रचार पर प्रचार किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार में जुटे रहे। पीएम मोदी की आज बंगाल में 3 चुनावी रैलियां रहीं। पीएम मोदी की पहली चुनावी रैली बर्धमान, दूसरी कल्याणी और तीसरी रैली बारासात में हुई। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल में ही रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर बंगाल के कालिमपोंग में रोड शो किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 4थे चरण में 10 अप्रैल को मतदान के दौरान कूच बिहार जिले में हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने वहां नेताओं के जाने पर प्रतिबंध और प्रचार खत्म करने की समय सीमा बढ़ाने जैसे कुछ कड़े कदम उठाए हैं। चुनाव आयोग ने शनिवार को पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनावों के दौरान जो पाबंदियाँ लगाई हैं उनमें 5वें चरण के मतदान से पहले प्रचार खत्म करने की सीमा 48 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे करना शामिल है। आयोग ने कानून व्यवस्था की स्थिति और बिगड़ने की किसी भी आशंका से बचने के लिए कूच बिहार जिले में अगले 72 घंटों तक नेताओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है। 4थे चरण के मतदान के दौरान कूच बिहार जिले के सीतलकुची क्षेत्र में जोर पाटकी गाँव में कथित तौर पर स्थानीय लोगों की तरफ से केंद्रीय बलों पर कथित हमले और उसके बाद जवानों द्वारा की गई फायरिंग में 4 लोगों की मौत के बाद आयोग ने यह पाबंदियां लगाई हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुरक्षा बलों ने तब फायरिंग की जब गांव वालों ने एक 12 साल के बच्चे पर CISF जवानों द्वारा हमले की अफवाह के बाद उन्हें घेर लिया था। कूच बिहार जिले के माथा भांगा में कथित तौर पर केंद्रीय बलों की गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई थी। बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के एक बयान पर विवाद शुरू हो गया है। उन्होंने बयान पश्चिम बंगाल में 4थे फेज की वोटिंग के दौरान कूच बिहार में हुई हिंसा को लेकर दिया था। दिलीप घोष ने कहा कि अगर शरारती लड़के नहीं मानते हैं और कानून को अपने हाथ में लेते हैं तो अगले फेज में भी कूच बिहार जैसी घटना हो सकती है। उत्तर 24 परगना जिले के बारानगर में एक कार्यक्रम में दिलीप घोष ने कहा, ये शरारती लड़के यहाँ कहाँ से आते हैं? इन शरारती लड़कों को सीतालकुची में गोलियां मारी गईं। ये लड़के ज्यादा समय तक बंगाल में नहीं रहेंगे। इन शरारती लड़कों को लगता था कि चुनाव ड्यूटी में लगे केंद्रीय बलों के जवानों ने हाथ में राइफल सिर्फ दिखाने के लिए रखे हैं। सीतालकुची की घटना देखने के बाद वो दोबारा ऐसी गलती करने की हिम्मत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जो कोई भी कानून को अपने हाथ में लेने की हिम्मत करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि 5वें फेज में भी ऐसी घटना हो सकती है। इस बयान के बाद तृणमूल कांग्रेस ने दिलीप घोष को गिरफ्तार करने की मांग की है। TMC नेता सुखेंदु शेखर राय ने कहा, ये पूरी तरह से भड़काऊ भाषण है। इस तरह के भड़काऊ भाषण और उकसावे वाले भाषण के लिए अधिकारियों को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और दिलीप घोष को गिरफ्तार करना चाहिए। इसी मामले पर CM ममता बनर्जी BJP पर हमलावर हैं। रविवार को एक बार फिर उन्होंने BJP पर निशाना साधते हुए कहा कि कूच बिहार में नरसंहार हुआ। ममता ने गृहमंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। दरअसल TMC चीफ ममता बनर्जी आज जलपाईगुड़ी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंची थीं। यहां उन्होंने कहा कि मैं रॉयल बंगाल टाइगर हूँ, उन्होंने मुझे कूच बिहार जाने नहीं दिया तो क्या हुआ। मैंने मृतकों के परिजनों से सिलीगुड़ी में बैठ कर वीडियो कॉल पर बात की। चुनाव आयोग का बैन खत्म होने के बाद मैं 4थे दिन वहां जाऊंगी। ममता ने NPR और NRC को लेकर कहा कि वे असम जैसे डिटेंशन सेंटर शिविरों में लोगों को रखेंगे, लेकिन मैं लोगों से अपील करूंगी कि नो बुलेट ओनली बैलेट। हमें बुलेट का जवाब बैलेट से देना होगा।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां लाखों की भीड़ इकट्ठा करके कहीं रैली तो कहीं रोड शो निकाल रही हैं। चुनावों के दौरान कोरोना नियमों की हो रही अनदेखी अब राज्य की जनता पर भारी पड़ रही है। पश्चिम बंगाल में कोरोना सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए छलांग लगाकर आगे बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 4,398 मामले सामने आए हैं। कोलकाता में कोरोना ने कल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 1,000 के पार छलांग लगा दी है। कोलकाता में पिछले 24 घंटे में 1,109 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कुल 40,332 टेस्ट हुए हैं। कोरोना के बढ़ते केस के बीच में प्रदेश में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। रैलियों में ना मास्क ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। खास बात है कि देश के बाकी हिस्सों में कोरोना के बढ़ते केस से किसी भी राजनीतिक दल ने सीख ना ली है और नियमों को ताक पर रखकर रैलियां या रोड शो किए जा रहे हैं। इन रैलियों में ना तो कोई मास्क लगा रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। चुनाव आयोग का आदेश भी बेअसर ही है। रैलियों में भीड़ और कोरोना नियमों की अनदेखी की तस्वीरें सामने आने के बाद चुनाव आयोग हरकत में आया था और सभी राजनीतिक दलों से नियमों का पालन करने का निर्देश भी दिया था। फिर भी चुनाव आयोग का आदेश बेअसर दिखाई दे रहा है। आदेश के बावजूद रैलियों में लाखों की भीड़ जुट रही है और नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान कोरोना नियमों की अनदेखी का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। एक याचिका के जरिए रैलियों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य करने की मांग की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भी भेजा था। इलेक्शन बुलेटिन के अगले चरण में हम आपको द वायर की रिपोर्ट से रूबरू करवाएंगे। द वायर के हिमाद्री घोष पश्चिम बंगाल के मतुआ समुदाय के लोगों से जुड़ी बंगाल राजनीति के विषय में बता रहे हैं। So who are Matuas? Matuas basically are a particular Hindu sect belonging to the Namoshudra caste or the Scheduled caste category. So they have significant amount of Matuas in 4 Lok Sabha seats in West Bengal, which is why they are one of the largest Hindu vote bank, and all the parties are doing everything possible to keep the Matuas on to their side. So much so, the Prime Minister went to Bangladesh on March 26 on the occasion of Bangladesh 50 years of independence, and also the founder of Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman's 100th birth centenary. However, the main attraction of PM Modi's 2-day visit what none of these two event. But on 27th of March, the stopover at Orakandi, which is located 200 odd kilometers from Bangladesh capital Dhaka, it was very small temple. That temple belonged to the Matua community. The Matua's founder, Harichand Thakur, was born there. So he went and paid respect there. That itself says a lot about the Matua and how the political parties are trying their best to woo them. So the wire visited Matua dominated assembly seats, which goes to the poll on the 6th phase, April 22. Some of those seats the wire visited last week. The seats like Bonga Uttar, Bonga Dakshin, then Gaighata, then Bagda, then Sharup Nagar, then Habra, all these places. So we found two, three trends. So one of them is a section of Matua. We cannot say how big is this section, but certainly a section of Matuas are disappointed with the central government because they feel they are betrayed. They feel they were let down on the citizenship issue, because the Citizenship Act, the CAA Act, was passed in the parliament in December 2019, but however it has not been implemented. So they feel a little let down there. They cannot trust the way they were trusting the BJP like they did in 2019.
So there has been a considerable amount of anger against the ruling center party, ruling central government. Second, a section still believes in BJP and they are hopeful that BJP will implement it as soon as possible, and they wanted to give BJP a chance. So they are still with BJP, they want to vote BJP because Citizenship Amendment Act has been brought in by the BJP. They also believe that Prime Minister, it is the first time any Prime Minister in India visited Thakurbadi, which is the citadel of Motua, and they are the custodian of the Motua community. In 2019, Prime Minister Modi visited Thakurbadi and met Boroma, the matriarch of the Motua community. Again, in 2021, he visited Orakandi, and so a lot of people are very happy with this outreach the Prime Minister has done. आप इस विषय पर द वायर के रिपोर्टर हिमाद्री घोष की रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं। रिपोर्ट पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप सब देखते रहिए द वायर का इलेक्शन बुलेटिन। धन्यवाद।